प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर करें, और थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सिंगापुरियन राइस और कश्मीरी चाय रेसिपी को बहुत ज़्यादा लाइक किया। इसी तरह हमें आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है, आप हमें अपनी दुआ में याद रखिए और वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? कुकिंग विद सास बहू में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। आज कुकिंग विद सास बहू में तीनों हैं। हाँ, आज तीनों साथ में, आज इसलिए साथ में ना कि तीनों महफिल में गए हुए, आज जुम्मा है इस वजह से सब महफिल में गए हुए, तो बच्चे इनके पापा संभाल रहे हैं। और आज मीठा बनने वाला है, डेजर्ट बनाएंगे आज हम लोग डबल रोटी से, और इसके लिए लिए हैं डबल रोटी के पीस नहीं, चार से पाँच। हाँ, चार पाँच हैं, और ये एक कप चीनी है, और ये बादाम, ये कस्टर्ड पाउडर है, और ये खोया है, ये चांदी के वर्क हैं, और एक लीटर दूध है, दूध बॉयल होने रख, दूध बॉयल होने रख दिया है मैंने फ्राई पैन में, तो ऑयल गर्म हो रहा है, घी डाला बल के मैंने उसमें, और ये मैं इसमें फ्राई करके इसके बनाऊंगी। ये वहाँ पर दूध बॉयल हो रहा है और ये घी गरम होने रख दिए थे अम्मी, और तकरीबन दूध भी बॉयल हो चुका है, ये मैं इसमें ये शामिल करूँगी खोया, दूध के अंदर खोया डालना है। खोया कितना लिया अम्मी? ये एक पाव, एक पाव खोया, और दूध कितना है? एक लीटर दूध, एक लीटर दूध में एक पाव खोया डाल के पकाना है। इसमें डालूंगी डबल रोटी के लिए ब्रेड पुडिंग है ना ये? ब्रेड पुडिंग, ब्रेड डेजर्ट जो भी बोले हैं, न्यू रेसिपी लेकर आई हैं अम्मी आपके लिए। सिंपल और इजी, यमी, टेस्टी, ट्राई करना है इसको, कड़क करना है, ब्राउन करना है। इसमें दूध को चलाते जाऊंगे, ताकि इसमें खोया डाला है ये हमारे आधे हो गए, अब जो बचे हैं पीस उसको भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। उसमें शामिल करेंगे कस्टर्ड पाउडर, दो चम्मच डाल के हम उसके अंदर ऐसा कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रहे हैं, पानी डाल के दूध में मिलाए हैं, थोड़ा सा दो चम्मच कस्टर्ड पाउडर दूध में भोजिए, एक कप चीनी इसके अंदर डाल देंगे, करेंगे मीठा जैसा ज़रूरत होगी तो फिर उसमें और डाल देंगे। हमें ये बची हुई डबल रोटी से बना सकते हैं ना, जैसे जो बासी हो, जैसे एक दिन की हो गई हो, दो दिन की फ्रिज में रखी हुई है, हाँ। तो चलो भाई ऐसा मीठा बना लो उसका, ये काम में आ जाएगी डबल रोटी, लेफ्ट ओवर डबल रोटी, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है ना डबल रोटी सेकते वक्त। आधे बादाम मैंने इसमें कूट के इस तरह से डाले, मोटा मोटा कूटना बादाम। ये हमारा तैयार हो गया मिक्सचर, अब इसको ठंडा करना है, ठंडा हो जाएगा के भाप निकल जाएगी, बनाऊंगे चूरा करना है डबल रोटी। बारीक चूरा करना है, बस ऐसे ही हो जाएगा, उसके अंदर जाके फिर दोबारा से फूलेगा। ये वैसे सही रेसिपी है, डबल रोटी बच जाए तो और ये बना ले, जल्दी भी बन जाएगी, मतलब ज़्यादा टाइम वाली भी नहीं, बच्चे खा भी गए। ये हमारी दोनों चीज़ें तैयार हैं, अब इसकी लेयरिंग करेंगे।
पहले ये जो मिक्सचर तैयार किया ये डालेंगे। बादाम बचाए थे उससे गार्निशिंग कर देंगे। बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है ना, मीठा बहुत इजी भी है, बहुत अच्छा भी लगता है। बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है ना मम्मी? बच्चे तो इतने शौक से खाएंगे बच्चे भी खाएंगे, बच्चों की अम्मा भी खाएंगे अम्मा तो ज़्यादा शौक से खाती हैं दादी भी खाए उनकी दादी अम्मा सब खाओ भाई। अनायास से पता नहीं सबर हो रहा होगा कि नहीं मैं तो ये सोच रही थी वो चकने वाला देखची का चकलू जाके देखची की सफाई कर लेना सही है। मीठा और मुझसे बच जाए इम्पॉसिबल। हमारी अम्मी और मैं तो बहुत ज़्यादा ही शौक से खाते हैं, है ना? भाई हमें तो अच्छा लगता है। हाँ, और हर खाने के बाद तो मैं ज़रूर मीठा देखती हूँ जाके फ्रिज में, थोड़ा सा हो लेकिन मीठा। और कुछ नाम नहीं तो खजूर या टॉफ़ी तो खा ही लेती हूँ। और अली की आदत भी माशाल्लाह से ऐसी आई है, वो भी मांगता है मीठा। और ये हमारा डबल रोटी पुडिंग तैयार है। कितना मज़े का लग रहा है ना। और अब खाएंगे ठंडा करने के बाद अभी रात 2 बजे उठ के दोनों बेटाइम भूख। वैसे ये अगर बना हुआ तो बेटाइम भूख के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आपका पेट भर जाता है। रात तो बड़ी है ना, भूख लगने लग जाती है। भाई हम तो बना के रख लेते हैं, थोड़ी सी खीर बना के रख लिए, सिवैयाँ बना के रख लें या हलवा बना के रख लिया, थोड़ा सा भाई बच्चों का घर है, बच्चे क्या बड़े भी शुरू हो जाते हैं और खाना खाने का मूड ना हो तो इंसान मीठा खा ले बस। और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे और बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए भी। और ये कि मौसम चेंज हो रहा है, कोरोना का फिर शोर शराबा शुरू हो गया, अल्लाह खैर करे और सब लोग अपने 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 बच्चों की बड़ों की सबकी हिफाजत करें और खुश रहें आबाद रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईमान के साथ। आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।